हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आप लोग मुंबई सीरीज के और एक नए दिन और एक नई जगह पे। तो आज हमने विजिट किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक यानी मेमोरियल। अगर आप देखोगे ना एरोली का, ये काफी फेमस है। मतलब बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि ये हमें मतलब चाहिए कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके। तो ये जो स्मारक है वो एरोली सेक्टर 15 में आता है। यहाँ पे कैसे आना मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप वाशी उतर सकते हो या फिर ठाणे, ठाणे से आप वाशी जाने की ट्रेन पकड़ो या फिर पनवेल ट्रेन पकड़ो या हार्बर लाइन वाली, उसमें आपको ये एरोली स्टेशन मिल जाता है। या फिर वाशी से जो ठाणे ट्रेन है वो पकड़ोगे तो जो सेकेंड लास्ट मतलब ठाणे के पहले का जो स्टेशन है वो है एरोली, वहाँ पर आपको उतरना है। एरोली से आपको रिक्शा मिल जाती है, मतलब अराउंड 2.2 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है। तो आप चल के भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। ऑटो से आओगे तो आपका 30 रुपीज़ जो चार्ज है वो हो जाता है, और इवनिंग के टाइम पे आते हो तो ट्रैफिक हो सकता है तो आपका 40 मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्मारक है काफ़ी सुंदर है और इसकी जो मतलब इसकी जो शुरुआत है वो 1.5 साल पहले ही की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सफिशियंट पार्किंग स्पेस दिया गया है। तो अगर आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर से भी आना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब जो ये स्मारक है वो एक साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा वो बोलते हैं ना ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आप रोड साइड पार्किंग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और ये जो टाइमिंग है इसका मैं टाइमिंग बता देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे आने से पहले मतलब बहुत सारे वीडियो देखे तो वहाँ पे टाइमिंग कोई भी नहीं बता रहा था। तो ये एवरीडे ओपन रहता है, इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कैसे क्या है। जाने से पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर पे एंट्री करना होता है, तो हम लोग पहले एंट्री करते हैं फिर चलते हैं अंदर, ठीक है। चलो मेरे साथ। अभी हम लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल जो बनाया गया है एरोली में उसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पहले जब आप एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे एंट्री करने के लिए, और उसके आगे मतलब फोटोशूट वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, फोटो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो पहले आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऊपर चले जाना, तो दोनों साइड से सीढ़ियाँ दी है जहाँ से आप ऊपर आओगे, और सामने ही देख सकते हो मेरे सामने जो है ना वो प्रार्थना स्थल है, लेकिन उसके अंदर जो है वो वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो आपको प्रार्थना स्थल मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो, और उसका भी टाइमिंग मॉर्निंग 10 to 8:30 तक, मतलब 10 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक शुरू रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लिफ्ट दिया गया है राइट साइड में जहाँ से अभी हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या क्या है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। सो अभी हम लोग जस्ट वहाँ से ऊपर से नीचे आए, आप नीचे यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से लिफ्ट से बाहर आ जाओगे, ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये सेकेंड बिल्डिंग है। तो सेकेंड बिल्डिंग में संग्रहालय है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको वाचनालय भी है, लाइब्रेरी भी है, और एक संग्रहालय टाइप बनाया गया है। उसमें टोटल अराउंड 49 या 47 पॉइंट्स है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो जर्नी थी, उनके जो मूवमेंट्स थे लाइफ में, जो बेस्ट मूवमेंट थे, वो सब आपको वहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक फिल्म भी है कि पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वो एक हार्डली 1.5 या 2 मिनट की फिल्म है, वो भी आपको दिखाई जाती है वहाँ पे। तो अंदर जो है वो मतलब वीडियोग्राफी जो है अलाउड नहीं है, तो इसके लिए मैं बात नहीं करूँगा, आपको नॉर्मली दिखा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप एंजॉय करना अंदर क्या क्या है, ठीक है। चलो, तू स्वयं ब्रह्म स्वतः ज्ञानाचा सूर्य आहेस, तुझ्याकडे मिळालेल्या ज्ञानरूपी प्रकाशाची किरण उंच भरून घेऊन मी निघालोय माझ्या बांधवांकडे। माझ्या प्रिय बांधवांनो, शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा, सामाजिक समतेचा व्रत। फाइनली जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक है वो हमारा कवर करके हो चुका है। स्मारक जो है काफ़ी सही है, आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। आप जैसे आओगे ना तो यहाँ पे मेन गेट है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जैसे गेट से एंट्री करोगे ना, यहाँ पे 2 वाटरफॉल दिए गए जो रात के टाइम पे मतलब चालू रहते हो। रात के टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो
को 7 बजे के बाद है ना, 7 से 8:30 बजे तक ये ओपन होता है। तो 7 बजे के बाद यहाँ पे लाइटिंग्स रहती है, तो लाइटिंग मतलब जो लाइटिंग्स रहती है ना उसके वजह से काफ़ी सुंदर दिखता है ये। मतलब यहाँ ऊपर के टाइप ना, ऊपर के साइड ऊपर में गार्डन टाइप बनाया गया, दोनों साइड लॉन दिए गए, तो वहाँ पे आप खड़े रह के फोटो निकाल सकते हो, जो काफ़ी सही है। फिर आप ऊपर वैसे ही जाओगे ना, सामने आपको डोम टाइप बनाया गया है जहाँ पे जाके आप मेडिटेशन जो है वो कर सकते हो। सेकेंड थिंग, फिर वहाँ से आपको लिफ्ट दिया गया, वहाँ से आप नीचे आओगे तो जो ग्रंथालय में हम लोग गए थे ना, संग्रहालय जो था, मतलब ग्रंथालय है, संग्रहालय है, और उसके बाजू में ऑडिटोरियम टाइप छोटा सा है जहाँ पे बैठ के आपको जो फिल्म है वो दिखाई जाती है, पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो वो काफ़ी सही है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। टाइम याद रखना, सुबह 10 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक इस टाइम के भीतर आना है, और ये एरोली सेक्टर 15 में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आने के लिए कोई फीस वगैरह आपको देनी नहीं है, सिर्फ आके नॉर्मली जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए दिन और एक नई जगह पे, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे ना, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा घूमने को आपको मिलेगा नहीं, 1 घंटे के अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं इवनिंग के टाइम पे, तो ये देखिए सामने स्वामी विवेकानंद गार्डन है, छोटा सा ही गार्डन है, लेकिन यहाँ पे आप बैठ सकते हो आके, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे फैमिली के साथ आप आना चाहते हो तो यहाँ पे जल्दी आके बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो, उसके बाद जो है आप अंदर जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर, मिलते हैं कल, बाय।